कुछ चीजें इस सीरीज में इलॉजिकल हैं, बट इस सीरीज की जो परफॉर्मेंस और जो इस सीरीज की कहानी है वो इतनी अट्रैक्टिव कि इन सब चीजों की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्रीथ इनटू द शैडो वेब सीरीज के बारे में, जिसे अमेजोन पर रिलीज किया गया है। टोटल इसके अंदर 12 एपिसोड हैं और हर एपिसोड करीबन करीबन कोई 45 कोई 50 ऐसे करीबन लगभग 50 मिनट तक का तो है ही। ब्रिज सीरीज का पहले भी एक सीजन आ चुका है, 2018 में आया था। इसमें आर माधवन सर थे, उनकी परफॉर्मेंस क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और कहानी भी काफी अच्छी थी और तब से इस सीरीज की एक हाइप तो क्रिएट हो ही गई थी। ब्रीथ इनटू द शैडो इस सीरीज को डायरेक्ट किया है मयंक शर्मा ने। इसके अंदर कास्ट है अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन, अमित साध और बाकी अन्य कलाकार। अब इस सीरीज की कहानी पर आते हैं। देखो, अब इस सीरीज की कहानी तो मैं उतनी ही बताऊंगा जितना आपको ट्रेलर में दिखाया गया है, क्योंकि अगर इस सीरीज की मैंने कहानी आप लोगों को उस ट्रेलर से ज़्यादा या थोड़ा बहुत भी अगर स्पॉइलर आपको दे दिया तो इस सीरीज की जो कहानी, जो आपको देखने का जो इंटरेस्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा और ऊपर से तुम गालियां दोगे वो अलग से। 6 साल की बच्ची जिसका किडनैप हो जाता है और इस बच्चे का नाम है सिया और इसके पिता हैं अविनाश, जिसे प्ले किया अभिषेक बच्चन ने, और जो सिया की जो माँ है आभा, जिसे प्ले किया है नित्या मेनन ने। किडनैप होने के 9 महीने बाद इनको कॉल आती है कि भाई अब अविनाश को एक काम करना होगा, उसे पैसे नहीं देने बल्कि पैसों के बदले किसी को मारना होगा, कुछ लोग हैं जिनको मारना पड़ेगा तब उसकी बच्ची उसको वापस मिलेगी। और जो इसमें जो मारने का जो तरीका है वो भी एक कह सकते हैं कि डिफरेंट है। मतलब जो रावण के जो 10 सर हैं, जिसके जो उसके जो 10 जो क्वालिटीज़ हैं वो दिखाई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मारना पड़ेगा। जैसे कि किसी को डर के कारण, जो डर उसकी मौत का कारण होना चाहिए, किसी की हवस उसका मौत का कारण होना चाहिए, किसी का गुस्सा उसकी मौत का कारण होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को एक कह सकते हैं कि हाँ डिफरेंट एक एंगल देने की कोशिश की गई स्टोरी में। तो अविनाश किडनैपर के कहने पर कत्ल करने शुरू कर देता है और कत्ल होने के बाद पुलिस की एंट्री होती है और इसमें आते हैं कबीर सावंत। इनको आप इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में भी देख चुके हैं, उन्होंने उस सीरीज में भी काफी दमदार एक्टिंग की थी और इस सीरीज में भी बहुत दमदार लुक में वो नजर आए हैं। कबीर सावंत की अपनी भी एक लाइफ दिखाई गई है, जो अपने उनकी एक वजह से, जो अपने आप को वो जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी वजह से एक लड़की जो है अपाइज हो गई, तो उनकी भी इसमें प्रॉब्लम दिखाई गई। और साथ ही साथ इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट अंदर कैसे पॉलिटिक्स चलती है, कुछ न्यूज में आने के लिए, अपना प्रमोशन पाने के लिए, किसी दूसरे ऑफिसर से केस लेने के लिए, जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स चलती है उसके ऊपर भी अच्छा खासा टाइम दिया गया है। कुछ ऐसे नहीं कि भाई हाँ 2-3 मिनट में वो कर दी गई हो, नहीं, एक अच्छा खासा भारी भरकम टाइम देकर जो आपको सेटिस्फाई करता है। इस सीरीज की कहानी काफी अच्छी है। सिया का जब किडनैप होता है, जो उसका किडनैप किसने किया, ये 5th एपिसोड में आपको पता चल जाता है। और ऐसा नहीं कि 5th एपिसोड में पता चल गया किसने किया, वो किडनैपर कौन है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट इस सीरीज में और ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई ये इंसान था। और मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वही स्पॉइलर है, कुछ भी नहीं बताना चाहता क्योंकि यार इतनी जबरदस्त सीरीज है और मैं आपका मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। गुरु मूवी के बाद अभिषेक बच्चन की जो अब तक की मुझे सबसे दमदार एक्टिंग लगी है वो इस सीरीज में लगी है। और इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर ने अपनी भूमिका जो है वो बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही दिल से निभाई, ऐसा आपको महसूस होगा। सिया को बचाने के लिए अविनाश मर्डर करना शुरू कर देता है और ये कौन करवा रहा है, किस लिए करा रहा है, इसको जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। बट मैं सच में कहूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो किडनैपर है उसने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, बट मैं नहीं चाहता यार, मेरी इच्छा, मेरी खुशी के लिए मैं आपका इंटरेस्ट खराब कर दूं। बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक के रखा है कि नहीं अभी नहीं बताते। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इसके अंदर जो लगी कि इसके अंदर कॉमेडी सीन जो डाले गए हैं वह ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े बहुत हैं। जैसे कि एक मुंबई के लोगों और जो दिल्ली के जो लोग हैं वो कैसी लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, वो उस चीज़ को लेके बहस करते हैं, खाने को लेके बहस करते हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो कंक्लूजन ये है, कुल मिलाकर ये जो सीरीज़ है वो एंटरटेनमेंट के तौर पर बखूबी हाँ उतरती है, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सीरीज़ देखोगे तो आपका टाइम खराब होगा, नहीं, एक एंटरटेनमेंट चाहते हो तो ये सीरीज़ आपको वो देने वाली है। बाकी मेरी तरफ से इस सीरीज़ को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 स्टार। अगर बाकी किसी ने ये सीरीज़ देख ली है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो जाकर देखो, एक अच्छी सीरीज़ काफ़ी टाइम बाद हम कह सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी वेब सीरीज़ देखने को मिली है। खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।